नमस्कार विवर्स सर, 12 साल से एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। साइट के ऊपर काम देखता हूँ, काम संभालता हूँ। वैसे तो मुझे मुनीम जी कहते हैं, मगर मैं साइट सुपरविजन का काम करता हूँ। साइट का हर काम करता हूँ। शुरुआत में मैंने उनके यहाँ 1600 रुपये महीने में लगा था, आज मुझे 14,000 रुपये दे रहे हैं। ठेकेदार जी कहते हैं तुम ठेकेदारी नहीं कर सकते, ये कमेंट्स किसी एक मेरे व्यूअर का आया है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा, लाइए मेरे सामने उन ठेकेदार जी को, क्यों नहीं कर सकते आप ठेकेदारी, क्या कमी है आप में ठेकेदारी करने की। 12 साल का आपका अनुभव थोड़ा नहीं होता है। हमारे हम बुजुर्ग आदमी कहा करते थे 12 साल को एक युग बोला करते थे, एक युग। जब आशीर्वाद देते थे ना, कहते थे जुग जुग जीवो, एक युग 12 साल का माना जाता था। तो 12 साल आपने काम कर लिया एक कंपनी में, एक ही कंपनी में 12 साल काम कर लिया। मैं आपके पेशेंस को दाद देता हूँ, एक ठेकेदार के पास में 12 साल खटाना मायने रखता है। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप में काम करने की अथा शक्ति है। यदि आप में अथा शक्ति नहीं होती, काम करने का जुनून नहीं होता, तो 12 साल एक ठेकेदार आपको नहीं रखता। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठेकेदार 12 साल उसी आदमी को रखता है जो आदमी हर तरह का काम कर लेता है, ऑल एवरी रेस्पेक्ट, यानी खाना बनाने से लेकर के कंस्ट्रक्शन वर्क का सारा काम और सुपरविजन का सारा काम करने वाला ही 12 साल ठेकेदार के पास टिक सकता है। आपके इस कमेंट से मैं समझ गया हूँ कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक ठेकेदार में होनी चाहिए। अब आपका कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं कर रहा कि क्या मैं ठेकेदारी नहीं कर पाऊंगा। अब रही बात, आपके ठेकेदार जी क्यों कह रहे हैं कि उनको पता है कि 12 साल जो अपने पास आदमी टिका हुआ उसको क्यों निकालें, वो आपको अपने यहाँ ही रखना चाहते हैं। उनकी सोच ऐसी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ उन पर, मगर मैं ये जानता हूँ कि ठेकेदार लोगों को अच्छे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। विश्वासपात्र आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है ठेकेदारी में, और जिम्मेदार आदमी जो 12 साल तक आपने काम किया है, फिर वो ठेकेदार जी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ उन ठेकेदार जी का दायित्व होना चाहिए था आपको ठेकेदार बनाना। मैंने 8 साल एक कंपनी में सर्विस की थी, और जब मैंने सर्विस छोड़ी थी तो मेरे बॉस ने कहा था, शर्मा जी मैं आपको 10% में पार्टनर रख लेता हूँ, जो प्रॉफिट होगा लॉस मेरा होगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें 10% में पार्टनर रख लेता हूँ। आप नौकरी मत छोड़िए, कोई आपका एक्सपेंसेस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, एज इट इज जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे काम कीजिए, और मेरा जितना नफा होगा वो मैं 10% आपको दूंगा, आप नौकरी मत छोड़िए। मगर मैंने उनको कहा था, सर मैं मेरा भाग्य आजमाने जा रहा हूँ, मेरी मेहनत और मेरे पुरुषार्थ को परखने जा रहा हूँ। मैंने 8 साल आपके यहाँ सर्विस की, और आप जैसे आदमी के पास में 8 साल सर्विस करने के बाद में यदि मैं ठेकेदारी नहीं कर पाऊंगा तो मैं सोचूंगा आज तक मैंने धूल खाई है, झक मारी है, और वापस आपके पास यहाँ धूल खाने आ जाऊंगा। मगर मैं पहले मेरे भाग्य को, मेरी मेहनत और पुरुषार्थ को परखना चाहता हूँ। और मैंने 82 में 6 जून को मेरी लड़की हुई थी, 6 जून को मैंने लड़की हुई थी, और 17 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था 1982 में, 82 में। तो आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन करवाना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपने ठेकेदारी मतलब क्या है कि मैं क्या समझाऊँ आपको, कितने वीडियो में बता चुका मैं कि ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाना एक साधारण सी प्रक्रिया है। आपके राशन कार्ड बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, आप यदि राशन कार्ड बनवाएंगे नया तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर ठेकेदारी के रजिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। आजकल तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन चालू हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, 8-10 टाइप के कागज मांगते हैं, वो आप दीजिए, 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट FD के तौर पर दीजिए, या आप किसी भी तौर पर दीजिए, या कोई मतलब अपने हिसाब से जमा करवा दीजिए, चेक काट के दे दीजिए, आप मतलब FD वगैरह बना करके आप वो बना देंगे आपकी।
किसी भी बैंक में आप कह दीजिए FD बना दीजिए जी, अधीक्षा जी अभियंता के नाम से बना लीजिए, अपने नाम से बना लीजिए और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, आपको घर से तो निकलना पड़ेगा। जब आप घर से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, उन ठेकेदार जी को आप छोड़ ही नहीं रहे, 12 साल हो गए आपको। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 12 साल में आपको 1 महीने की छुट्टी तो दी होगी ठेकेदार जी ने, और जब 1 महीने की छुट्टी दी तो आपने एक बार भी ट्राई किया क्या ठेकेदार बनने का? कभी एक बार भी किसी ऑफिस में जाके आपने अप्लाई किया? नहीं किया तो नहीं किया, तो फिर ठेकेदार घर बैठे कौन बना देगा आपको? कोई गली गली में तो आवाज़ लगा के फेरी नहीं देते हैं कि हाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, आ जाओ रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये कहानी तो है नहीं। आपको क्या है, ऑफिस में जाना चाहिए, जिस विभाग में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, PhD है, PWD है, इरीगेशन है, RSEB है, अदर बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आप जाइए, जाके वहाँ पर्सनली आप बाबूजी से मिल लीजिए, जिसको रजिस्ट्रेशन बाबू कहा जाता है, वहाँ उनसे मिलिए, अकाउंटेंट साहब से मिलिए, या किसी भी अदने से कर्मचारी से आप मिलिए, मुझे ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। चपरासी से भी मिलेंगे ना आप, तो वो भी कहेंगे सामने बाबूजी बैठे हैं, आप उनसे मिलिए, और आप वो बाबूजी आपको फौरन दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कौन कहता है आप ठेकेदारी नहीं कर सकते? आपके ठेकेदार जी ने कह दिया तो उनको ये वीडियो सुनाइएगा और कहिएगा ये शर्मा जी बोल रहे हैं और ये इस तरह लताड़ रहे हैं आपको। कौन होते हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करने वाले? कौन होते हैं आप वो आपके भविष्य के बारे में इस तरह के कमेंट्स करने वाले? और यदि आप में कोई कमियां भी हैं तो उन कमियों को उजागर करना जरूरी है क्या? यदि आप 12 साल तक उनके यहाँ काम करते रहे तो आपकी खूबियां बतानी चाहिए उनको। कमियां तो हर आदमी में होती हैं, कोई भी बता सकता है। आप मेरे लिए भी कह सकते हो शर्मा जी बोलते बहुत हैं जी, डांटते बहुत हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो डांटूंगा क्यों नहीं, मेरा अधिकार है आपके ऊपर, आप देश के नागरिक हो और मैं देश का एक बुजुर्ग नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको समझाना, मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और आपको डांट नहीं रहा मैं। एक पिता की डांट या माइत की डांट या यूँ कह सकते हैं कि बुजुर्ग की डांट पड़ी कहाँ है? हमारे तो जब हम घर के बाहर गुआड़ में निकलते थे ना तो वहाँ लठ लिए बैठे रहते थे 8-10 बुजुर्ग, और वो हमारी हर चाल चलन पे ध्यान रखते थे, क्या कपड़ा पहना है हमने, कैसे बाल हैं हमारे, किस तरह चल रहे हैं हम, अरे इधर इधर कल ये बाल कटवा लेना नहीं तो समझ लेना ये डंडा जानता है, इस तरह के कमेंट्स करते थे हमारे मोहल्ले के दादाजी वगैरह। तो मेरा भी अधिकार बनता है आपके ऊपर, क्यों नहीं डांटूंगा मैं आपको, और डांटता हूँ तो आपके लिए डांट रहा हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। नमस्कार।